आज 10 फरवरी के ईश्वरीय वरदान में आप सबका स्वागत है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वरदान जहाँ पर हमें एक नसीहत मिलेगी परमात्मा पिता से कि हल्के हो जाओ, सारा बोझ दुनिया का अपने ऊपर मत लो। और उसके लिए हमने भक्ति मार्ग में बहुत सारी चीजें सुनी है, लेकिन कभी उसको अपने जीवन में अप्लाई करने का तरीका नहीं समझा हमने। अगर समझ भी लिया होगा तो शक्ति नहीं होगी, उसको अप्लाई कैसे करें। तो आज परमात्मा ये सिखा रहे हैं कैसे हम अपनी बुद्धि को सरेंडर कर दें, क्यों, क्या, कैसे, कौन, कब, कहां, क्यों नहीं, ऐसे नहीं, वैसे, ये सारी चीजें बुद्धि को बहुत भारी करती हैं। और अब जब आप भारी हो जाते हो उसका फिर आप मेडिटेशन करने की सोचो, फिर आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि दिन भर आप क्यों, क्या, कैसे, कहां, कुछ, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम भौतिक जगत से हम खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये काम हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये चीज मेरी पूरी हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे फैमिली में ये कार्य हो जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरे ये घर बन जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा ये रिपेयर हो जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी वो गाड़ी आ जाएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। एंड ये सारी चीजों के ऊपर जब हम डिपेंडेंट होते हैं तो हम देखते हैं कि बुढ़ापा आ गया लेकिन खुशी आई नहीं, संतुष्ट आई नहीं, मन एकाग्र हुआ नहीं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि स्वयं को बाप के हवाले कर, बाप मतलब परमात्मा के हवाले कर, बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले। बुद्धि क्या करती है, बुद्धि का सिर्फ एक काम होता है कि वो जो डिसीजन लेती है वहां पर वो मन को दौड़ाती है कि भैया ये होगा कि ये होगा, एंड मन उसकी कल्पना करना शुरू कर देता है और बुद्धि वहां अपने चित्र बनाने शुरू कर देती है और मन वहां पे भागना शुरू होता है, मन उसको कनेक्ट कर देता है वहां पर। तो आप क्यों नहीं हुआ, तो आपको वहां पर दृश्य बनना शुरू होता है, इसकी वजह से नहीं होगा, इसने ऐसे किया, इसने नहीं होगा, ये ऐसे नहीं करता तो हो जाता है। एंड फिर बुद्धि वहां पे अटक जाती है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं बुद्धि को किसको दे दो, परमात्मा को दे दो। क्यों सोच रहे हो क्यों नहीं हुआ, क्यों सोच रहे हो क्या नहीं करना चाहिए था, क्यों सोच रहे हो क्या होता, क्या कर सकते थे, क्यों नहीं होता, क्या कर पाते, ये सारी चीजें ही आत्मा की ऊर्जा को खत्म करती हैं और परमात्मा गायब आते हैं घंटों घंटों तक, मतलब उनकी याद ही नहीं रहती है, फिर शक्तिहीन हो जाते हैं और हम अपने अंदर उत्तेजना एंग्जाइटी क्रिएट कर देते हैं जिससे बीमारियां आती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं स्वयं को बाप हवाले कर, बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भवा। कैसे, डबल लाइट, मैं आत्मा लाइट हल्की एंड मेरा कनेक्शन परमात्मा से और मेरी स्थिति भी हल्की, मन की स्थिति। अपनी जिम्मेवारी बाप को देकर स्वयं को बाप हवाले कर दो। किसको, स्वयं को, स्व मतलब आत्मा का मन बुद्धि और संस्कार, किसके हवाले, बाप हवाले कर दो, अर्थात अपने सब बोझ बाप को दे दो तो डबल लाइट बन जाएंगे। अब बोझ देना आता है कि नहीं आता है, कि लेना आता है बोझ। जब भी आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो क्यों, क्या, कैसे, कहां, कब सोच रहे हो, इसका मतलब आपने बाप को बोझ नहीं दिया है। इसलिए परमात्मा आप समझाते हैं, बुद्धि से सरेंडर हो जाओ तो और कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी। बुद्धि से कैसे सरेंडर हो, जब भी आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो रही होती है, ये करूं कि वो करूं, ऐसे करूं वो करूं, ये खरीदो ना खरीदो, ये चीज करूं कि ना करूं, तो समय परमात्मा को उसको क्या कर दो, सरेंडर कर दो कि परमात्मा आप ही मुझे साइंस दिखाइए, आप मुझे साइंस दिखाइए कि ये चीज मैं लूं कि ना लूं। एंड अंदर से आएगी, रुक जाओ बेटे, बच्चे रुक जाओ, पेशेंस। परमात्मा का आंसर आएगा गुणों के हिसाब से, पेशेंस, थोड़ा सहन कर लो, ये आपको आएगा। तो ये आपको आंसर तब आएंगे जब आप दिल से परमात्मा से आप कनेक्ट होगे, आपका मेडिटेशन बहुत स्ट्रांग रहेगा। परमात्मा फिर कहते हैं बुद्धि से सरेंडर हो जाओ तो और कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी, बस सब कुछ बाप का है। कहते भी ना, सब कुछ तेरा तेरा तेरा, मेरा क्या लगे, सब कुछ तेरा, कहते तो हैं बड़े अच्छे से, लेकिन कोई चीज टूट जाए, किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी, किसी ने कोई चीज तोड़ दी, किसी ने कोई चीज डिले कर दी, कोई नुकसान कर दिया घर के फैमिली मेंबर ने या बॉस ने या ग्रुप में या जॉब में या बिजनेस में, बस मेरा कर दिया लॉस, मेरा ये घाटा कर दिया। और वो करने से हम जो सिचुएशन आई है उसको हम क्रोध अहंकार सब कुछ यूज करके हम उस सिचुएशन को और ही गंदा कर देते हैं, जबकि हमें कैसा रहना चाहिए, एकाग्र रहना चाहिए और हमें बिना ब्लेम किए हुए, बिना कोई नुक्स निकाले हुए हमें क्या करना चाहिए, साक्षी होकर के उस कार्य को पूरा करना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए। ये नहीं कि सॉल्व नहीं करो, भगवान आपके ऊपर अभी मैं नहीं सॉल्व करूंगा, ये नहीं है। परमात्मा के ऊपर छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप सोचना ही छोड़ दो, परमात्मा के ऊपर
छोड़ने का मतलब है मैं वो कार्य करना चाहता हूं, लेकिन आप मुझे साइंस दो, आप मुझे कहीं ना कहीं से गाइडेंस दो, आप मुझे किसी ना किसी के थ्रू आप मेरे को वो विवेक दो, या कोई साइंस या कोई चीज। एंड हो सकता है आपको, आप कुछ देख रहे हो टीवी पर, अचानक से कोई चीज, अरे ये तो करना चाहिए, या आपने कोई मैगजीन खोली, या आपका ट्रिंग ट्रिंग मैसेज आया फोन पे, एंड आपने जैसे खोला किसी ने कुछ अच्छा सुंदर मैसेज भेजा, उसमें आपको आंसर मिल गया। इट इज पॉसिबल, आप अट्रैक्ट कर सकते हो ये सारी चीजें। एक्चुअली ये सारी चीजें आपके अराउंड होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बुद्धि में इतना बिजी होते हैं कि सामने वो आंसर्स आ रहे होते हैं, परमात्मा हेल्प कर रहा होता चारों तरफ से, लेकिन हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, बिकॉज हमारी वाइब्रेशन हमें वहां तक लेके नहीं जाती। लेकिन जब आप परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हो, आप बिल्कुल हल्के हो जाते हो, एंजॉय कर रहे होते हो, बिल्कुल लाइट हार्टेड होते हो, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं आपका एकाग्रता फोकस लेवल ज्यादा आता है। अचानक ऐसे फोन किसी ने टीवी ऑन किया, और ये तो चीज थी, ये करते हैं मेरा काम हो जाएगा ऐसे करने से। तो वो आसान है कि ओवर थिंकिंग आसान है, क्वेश्चन करना अपने आप को। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सब कुछ जब मेरा है तो मैं ही संभालूंगा, मैं ही तुम्हें सिग्नल्स दूंगा, और तुम यहां पे सिर्फ निमित्त हो काम करने के लिए, उस चीज को सॉल्व करने के लिए। तो मेरे सिंबल्स और मेरे साइंस के लिए वेट करो, वेट फॉर देम। सब कुछ बाप में है, सब कुछ बाप का है, बाप में है, तो और कुछ रहा ही नहीं। घर मेरा नहीं है, लोग मेरे नहीं है, चीजें मेरी नहीं है, किसकी है, तो फिर इतनी चिंता? जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहां जाएगी? बस एक बाप, जब मेरी कोई चीज ही नहीं है, मेरा कोई है ही नहीं, तो फिर सब बाप का है। बच्चे भी परमात्मा के हैं, फैमिली भी मेंबर्स भी परमात्मा के, बिजनेस भी परमात्मा का है, प्रोवाइडेड वो बिजनेस अच्छा हो। घोटाले वाला बिजनेस करके फिर बोले कि भगवान ने आपने बहुत दिया, रे भगवान बहुत अच्छा आपने धन दिया, ना ना वो नहीं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि एक ही याद का रास्ता, इस रास्ते से सहज मंजिल पर पहुंच जाएंगे, इजी हो जाएगा। वो मंजिल तक पहुंचना है, वो कार्य करना है, लेकिन सहज पहुंच जाएंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे, ब्लेम करना, कंप्लेन करना, क्यों नहीं, कैसे नहीं। तो दृष्टिकोण को चेंज करने के लिए क्या है, सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप से आया है, तो फिर मैं क्यों सोचूं इतना ज्यादा। ये प्रैक्टिस करने के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, जुड़ना किससे है वो जरूरी है। आपको पता ही नहीं होगा जुड़ना किससे, तो आपको मन तो घूमते रहेगा क्यों और क्या में। आप भी आकर सीखिए ब्रह्म कुमारी इसमें इसको। ओम शांति।